लोग भारत की 22 भाषा जिसको मान्यता प्राप्त है सरकार के संवैधानिक रूप से कहाँ कहाँ पे है, मैप से देखते हैं आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कौन सा एरिया है? जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ कश्मीरी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? और यही सटा हुआ सिंधी भाषा बोली जाती है। तो कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी। यहाँ पे पंजाब है तो कौन सी भाषा हो गया? पंजाबी। यहाँ पर कौन सी भाषा हो गया? कश्मीरी सिंधी पंजाबी। तुम लोग भी बोलो कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी। ये सब एरिया में हिंदी बोला जाता है। इतना दूर अगर देखते हैं तो हिंदी बोला जाता है। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। ये बंगाल है नहीं, यहाँ पर बंगला बोला जाता है। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली। इधर असम है नहीं, असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? असमी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी। कोई दिक्कत? यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे उड़ीसा है। कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? उड़िया। अब इधर था, ये है गुजरात, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। कश्मीरी सिंधी बोलो तुम लोग भी, पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती। कोई दिक्कत? ये महाराष्ट्र है, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। कौन सी भाषा? मराठी। ये हो गया मराठी। कोई दिक्कत? फिर से बोलो, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगला उसके बाद असमी उड़िया गुजराती मराठी। याद हो गया इतना? कोई दिक्कत? मराठी के बाद यहाँ पर बोला जाता है कन्नड़। कौन सी भाषा? कन्नड़। ये है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या बोला जाता है? तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती है? ये है तमिलनाडु, यहाँ भी क्या बोला जाता है? नहीं, यहाँ पे तमिल और यहाँ पर तेलुगु, ठीक है? तमिलनाडु में तेलुगु, नहीं ये हो गया उल्टा बोल दिया। तेलंगाना में तेलुगु, हाँ तमिल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु और यहाँ पर तमिल। तमिलनाडु है तो तमिल, ठीक है? और यहाँ पर है केरल, यहाँ पर है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कौन सी भाषा है बोली जाती है? मलयालम। तो अब देखिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। याद हो गया इतना? एक बार फिर से बोलिए, तेरह भाषा इसमें हो गया। ऐसे नक्शा पर अगर आप तेरह याद कर लेते हैं तो बाकी को आप सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। देखिए, उर्दू और संस्कृत जो है ना, वह कहीं कहीं बीच बीच में बोली जाती है। तो दो को याद कर लेना है, उर्दू और संस्कृत। किसको याद कर लेना है? कोई दिक्कत? उर्दू और संस्कृत। उसके बाद है नेपाली। कौन सी भाषा है? नेपाली। नोट पर आता है नेपाली भाषा, ठीक है? नेपाली है। उसके बाद मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। और अगला है कोंकणी। कौन सा है? कोंकणी। मणिपुरी कोंकणी। तो ऐसे याद करना है, यहाँ से आ गए, तेरा याद हो गया। अब याद करना है उर्दू संस्कृत, उर्दू और संस्कृत। भारत में उर्दू बहुत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग पानी बोलते हैं, ये उर्दू शब्द है। जल बोलते हैं आप लोग? नहीं बोलते हैं। पानी पीते हैं हम लोग, लेकिन हिंदी में अगर कहा जाए तो जल है। उर्दू में गाना में बहुत सारे शब्द का प्रयोग उर्दू किया जाता है। उर्दू अल्फाज जो होते हैं सुनने में अच्छा लगता है, तो इसलिए उर्दू और संस्कृत। क्या है? उर्दू और संस्कृत। उर्दू और नेपाली मणिपुरी कोंकणी। नेपाली मणिपुरी मणिपुरी मणिपुर में नहीं बोला जाता। याद कर लीजिए उसका क्या, कि मणिपुर और दूसरे जगह भी बोला जाता, सटा हुआ क्षेत्र है। तो नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी। उसके बाद आता है बोडो, जनजातीय भाषा है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चार भाषा। अब देखिए 22 फुट जाएगा आपको।
देखिए 13 इधर था, 2 15, 13 2 15, अब 15 3 18, 4 22 हो गया। एक बार याद कर लीजिए, देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सबसे अधिक संथाली जनजाति भारत में है, संथाली, ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे संथाली अलग कर दिए। तो याद करने के लिए आपको सीक्वेंस रहेगा तो ऐसे 13 याद हो जाएगा क्षेत्र के हिसाब से, तो ये आपको आसानी से सीक्वेंस में, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, याद हो रहा है। अभी 2200 पूछेंगे तुम लोग से, गधा की तरह जो देख रहा है तुम लोग, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और उर्दू संस्कृत, उर्दू, ये 22 भाषा है, समझ में आया।